नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 के दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इन चारों में से सही विकल्प ढूंढना है। प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वेयर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न था 1 माइनस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री। तो बच्चों, सबसे पहले हमें tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। आशा करता हूं आपने अभी तक यह टेबल बनाना अवश्य अच्छे से सीख लिया होगा। तो इस टेबल में यदि आप देखें, यह है 45 डिग्री और यह है 10, तो ये वैल्यूज मिलकर बनती हैं 1। वैसे भी आपको पता है tan 45 होता है 1 के बराबर, tan 45 होता है 1। तो देखिए आप यहां पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan 45 है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा नीचे है 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 1 के बराबर है। तो आइए इसे आगे देखते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो देखिए बच्चों, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 बटा 1 प्लस 1 होता है 2। तो 0 को 2 से भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारा उत्तर आया है 0। तो सही विकल्प कौन सा है, डी, डी विकल्प था 0। तो हम यहां लिख देंगे सही विकल्प है डी 0, यही हमारा उत्तर है। तो देखिए, यह प्रश्न तो बहुत ही सरल था, हमें सिर्फ tan 45 की वैल्यू इसमें पुट करनी थी और वो टेबल बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। बिना टेबल के बेटा आपको ये वैल्यूज नहीं आएंगी, इसलिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर टेबल बनाने वाला वीडियो अच्छे से देखकर उसे बनाना सीखिए, और उसके बाद उस टेबल में से हमने tan 45 की वैल्यू देखी 1 के बराबर है, तो उसे हमने हल किया तो हमारे पास उत्तर आ गया है इसका 0। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि इसी प्रकार आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।